This video is brought to you by English County, Mobile Master, Mohammadi Furniture, Frespresso Coffee Shop, Newson Fabrics Clothes Store, Build On Constructions and by Asian Mall. शहर गुलबर्गा में इन दिनों जनाब नजर मोहम्मद खान उर्फ बाबा खान साहब जो जमात अहले हदीस के अमीर हैं उन्होंने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर पैसे बैतुल माल में जमा करने की अपील की है और उसके साथ मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाने वालों पर जो खर्च किया जाता है जश्न मिलादुन्नबी या ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जो डेकोरेशन और जो रुपया पैसा खर्च किया जाता है उसको इसराफ से ताबीर किया और ईसाइयों के बर्थडे मनाने से उसको तशबीह दिया है जो इस्लाम के बिल्कुल मगायर है और इस्लाम के सरासर इख़्तिलाफ़ बात है। जबकि हमको इस सिलसिले में बेशुमार अहादीस और बुज़ुर्गान दीन के अहवाल हमें मिलते हैं दलील के तौर पर और जो है ना इस तरीक़े के इन हालात में जो आपस में शहर गुलबर्गा में आपस में मुसलमानों के इत्तेहाद इत्तेफ़ाक़ पाया जाता है अमन व शांति पाई जाती है उसमें रखना डालने के मुतरादिफ़ है निफाक डालने के हम सख्त मजम्मत करते हैं इस बयान की। फिलहाल अगर हम हदीस पेश करें तो बुखारी शरीफ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस बाबुल इस्तिरज़ा बुखारी शरीफ में इसको बयान किया है वो ये हदीस है कि जब अबू लहाब जैसा बदतरीन आदमी जिसकी मजम्मत में एक मुकम्मल सूरा उतरा आखाए नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद पर जब हजरत सुएबा रजी अल्लाह अन्हा आकर अबू लहाब को खुशखबरी दी तो उसने खुशी के मारे खुशी से उछल गया और जो है हजरत सुएबा जो उसकी अपनी बांदी थी उनको आज़ाद कर दिया। जब अबू लहाब का इंतकाल हो जाता है तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु अबू लहाब को ख्वाब में देखते हैं और कहते हैं कि कैसे गुजर रही है इस वक्त। तो उस वक्त जो है अबू लहाब ने कहा कि मैं क्या कह सकता हूँ कि हमा किस्म के अजाब में रोज़ाना हर रात हर दिन एक नए नए अजाब को मुझ पर मुब्तला किया जाता है लेकिन हर पीर की रात हर दोशंबे की रात मैं मुझ पर अजाब में कमी वाक़ होती है और जिस उंगली से मैंने सोएबा को आज़ाद किया था उस उंगली से एक मीठा सा ठंडा पानी निकलता है तो उसको मैं जब चूसता हूँ तो मुझ में एक सुकून और चैन पाता हूँ अपने आप। अब एक देखिए कि यहाँ पर हदीस की रूह से आखाए नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर जिस चीज़ का उसने इस्तेमाल किया उंगली से सोएबा को आज़ाद किया तो उसी उंगली से आयन दोजख में उसको फैज़ मिल रहा है उसको वो फैज़ पा रहा है। तो अल्लाह ताला ये चाहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद पर जो शख्स जिस अंदाज से खर्च करता है उसी से उसको फैज़ मिलता रहता है। अगर कोई पैसा खर्च करता है अगर कोई खाना खिलाता है अगर कोई हुजूर के नाम से पानी पिलाता है तो इन तमाम चीज़ों का फैज़ उसको जन्नत में मिलता रहेगा। क्या एक मुसलमान अपना रुपया पैसा खर्च करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न मीलाद में हिस्सा लेता है ईद मीलाद में हिस्सा लेता है तो क्या उसका ये खर्च करना रायगा जाएगा? ये ईसाइयों का कोई तरीक़ा नहीं है बल्कि हदीस की रोशनी में कुरान की रोशनी में ये बरसा बरस से सैकड़ों सालों से हज़ारों सालों से चला आ रहा है रिवाज। जैसा कि हज़रत शाह अब्दुल्लाह मुहदीस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद लिखते हैं कि ये ईदों की ईद है यानी ईद उल आयात कहा जाता है यानी जब हम ईद उल फितर ईद उल मज़हब ईद उल अज़हा मनाते हैं तो ये भी ईद उल आयाद ही का सदका है कि ये खुशियाँ भी हमको वही ईद उल आयाद यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद पर जो ईद उल आयाद ईदों की ईद कहा जाता है उसकी वजह से हमको ये खुशियाँ आज भी जारी व सारी हैं। जैसा कि हजरत साहिब नेमतुल कुबरा खर्च करने से मुताल्लुक हुजूर की मीलाद पर जश्न मनाने खुशी का इजहार करने खर्च करने से मुताल्लुक लिखते हैं हजरत खुलफा राशिदीन के अखवाल को नकल फरमाते हैं उससे पहले मैं कुरान की एक आयत पेश करूंगा। कुल बी फजलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन सूरह यूनुस की आयत है ये। ऐ हबीब आप फरमा दीजिए अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर जो शख्स खुशी का इजहार करता है और जो कुछ खर्च करता है
उसके नामे आमाल की जमाशुदा आमाल से ज़्यादा बेहतर है कि ये वो खर्च करता है। तो यही चीज़ मुफस्सिरीन ने लिखा। और फिर उसके साथ साथ जो है ना खर्च करना चाहिए, और हर एक को अपनी अपनी आज़ादी का हक है यहाँ पर, तो वो खुशी मनाए, कोई पैसे रुपये की अपील कर ले, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन ईसाइयों का तरीक़ा कहना ये बिल्कुल गलत है, कुरान और हदीस के बिल्कुल बग़ैर है, सुन्नत रसूल के ख़िलाफ़ है ये बात। जबकि आखा नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपनी खुशी का इजहार यूँ फरमाते हैं कि मैं मेरी माँ बीबी आमिना का ख्वाब हूँ, मैं हज़रत इब्राहिम की दुआ हूँ, मैं हज़रत ईसा अलैहि सलाम की बशारत और खुशखबरी हूँ मैं। तो इस तरीक़े से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद ना सिर्फ अम्बिया ने मनाया, अल्लाह के रसूल ने मनाया, सहाबा इकराम ने भी मनाया। जैसा कि अन्नेमतुल कुबरा वाले लिख रहे हैं कि हज़रत सैयद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का कौल पेश फरमाते, मन अनफ़क अला दिरहमिन अला क़िरअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रफ़ीक़ी फ़िल जन्नत। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जो शख्स मेरे आका मोहम्मद रसूलल्लाह की मीलाद पर कुछ खर्च करता है तो वो गोया जन्नत में मेरा साथी बनकर रहेगा। फिर उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जो शख्स हुज़ूर की मीलाद और उनकी तज़ीम व तकरीम में कुछ खर्च करता है तो गोया वो इस्लाम को ज़िंदा किया उसने। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स हुज़ूर की मीलाद पर जश्न मनाता है या कुछ खर्च करता है तो गोया बदर हुनैन में शरीक होने के बराबर सवाब मिलेगा उसको। फिर हज़रत सैदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जो शख्स हुज़ूर की मीलाद पर कुछ खर्च करता है, तज़ीम व तकरीम करता है, तो वो शख्स दुनिया से उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक कि उससे कलमा नसीब ना हो, ईमान नसीब ना हो जाए, और वो जन्नत में दाखिल होगा बग़ैर हिसाब व किताब के। मेरा कहने का मकसद ये है कि बाबा खान साहब जो अमीर जमात अहल हदीस हैं, उनको इस तरीके के बयान देने से क्या मिलता है, और क्या उनको जो है ना ऐसी कोई ख़ास बात पेश आई कि जिसकी वजह से कि उन्होंने इस तरीके का जो है ना बयान दे दिया है उन्होंने, क्या आपस में मुसलमानों में इंतशार पैदा करना है, पता नहीं। जनाब नज़र मोहम्मद खान साहब उर्फ बाबा खान साहब अमीर जमात अहल हदीस गुलबर्गा का क्या मकसद होगा। हमारे समझ में तो यही बात आती है कि सिवाय उम्मत मुस्लिमा में इंतशार पैदा करने की और कुछ नहीं हो सकता। ये कोई इस्लाम और मुसलमानों के लिए नई बात नहीं है, बल्कि आए दिन इस्लाम मुखालिफ ताकतें ऐसी बातें उड़ाते रहती हैं, काम करते रहती हैं इसके तरफ से, जो हर साल जुलूस मीलादुन्नबी में हिस्सा लेते हैं या फिर जो है ना डेकोरेशन करते हैं या फिर जो है ना रुपया पैसा खर्च करते हैं या मस्जिद में खाना पका कर जो है ना खिलाया जाता है, ये सब बिल्कुल शरीयत की रोशनी में जायज़ और दुरुस्त है और ये करना चाहिए। मुसलमानों से अपील है कि वो इंतशार को इख्तियार ना करें, बल्कि आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक का मुजाहरा करते हुए इन तमाम उमूर को अंजाम दें कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय इंग्लिश काउंटी मोबाइल मास्टर मोहम्मदी फर्नीचर फ्रेशो कॉफी शॉप न्यूसन फैब्रिक्स क्लोथ स्टोर बिल ऑन कंस्ट्रक्शंस एंड बाय एशियन मॉल।